सो ये गाइस वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। सो गाइस सबसे पहले आप सभी लोगों को हैप्पी दिवाली। और हाँ, इस दिवाली में आप लोग जो है बम पटाखा फोड़ने में कोई भी कंजूसी मत करना, लेकिन थोड़ा सा बच के संभल के, ठीक है? कहीं क्योंकि यार बहुत लोग जो है ऐसे फोड़ते हैं उसको चोट पहुँच जाती है, इसलिए ये चीज़ ध्यान रखना। और पटाखा और बम तो फोड़ना मत भूलना, एकदम बहुत ज़्यादा फोड़ना है क्योंकि अपना दिवाली है, ठीक है? और अभी जो गाइस हम लोग राहुल के घर में जो है रह रहे थोड़ा सा बोर हो चुके थे, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि चलो कहीं बाहर घूमने जाते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं उत्तर प्रदेश, यहाँ से नज़दीक में ही है, लगभग 30 से 40 किलोमीटर दूर है एरिया में, जो हम लोग कहीं शॉपिंग करने वाले हैं दिवाली के लिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, हम राहुल और सुरेंद्र, इधर देख सकते हो। तो सुरेंद्र हाय कर दो। देखो सुरेंद्र को सबसे पहले देखो कितना स्मार्ट लग रहा है, चश्मा लगा के बहुत ही ज्यादा ये कूल लग रहा है। तो बताओ कैसा लग रहा है? मस्त। तो चलो अभी हम लोग चलते हैं उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के अंदर एक जो है बहुत स्टेशन है, उस स्टेशन का नाम है दूदही नाम है। वहाँ ही वहीं पे हम लोग जो उतरे थे और वहाँ से घर आए थे, यहाँ से लगभग वो भी 30 से 40 किलोमीटर पड़ता है समथिंग, वहाँ पे जाने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दुधई का स्टेशन के पास आ चुके हैं और ये रहा, देख सकते हो यहाँ पर हम लोग जो अभी यहाँ पे एंटर कर चुके हैं। तो सुरेंद्र बताओ तुम क्या ले रहे हो, क्या क्या लेगा तुम बताओ? हमको एक मेडिसिन लेना है जो कि यहाँ पे उपलब्ध है। हाँ, इसको एक ऐसा मेडिसिन चाहिए जो कि सिर्फ यहीं पे उपलब्ध है, हमारे झारखंड में। आज स्पेशल हम उसी के लिए आए हैं यहाँ। तो देखो यहाँ पर जो ये रहा स्टेशन, ये दुधही का स्टेशन है। तो यहीं पे हम लोग जो है जब आए थे तो यहीं पे रुक के, इसके बाद राहुल का पापा आया था हमें ले जाने के लिए। तो यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके का व्यू आपको देखने को। अभी जो है थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। तो सुरेंद्र बताओ, सुरेंद्र के मुँह से सुनते हैं कि आखिर कैसा फील हो रहा है अभी बाहर में आके, क्योंकि बहुत दिन से राहुल के घर में ही हम लोग बैठते थे, बस अपना जो काम होता था वो काम करते थे। अभी बताओ सुरेंद्र कैसा लग रहा है आपके? सच बताऊं तो उसके घर में बहुत बोरिंग सा लग रहा था, एक ही जगह एक ही एरिया घूमते थे बार बार, और इधर थोड़ा दूर आए तो अच्छा लग रहा। और उसके घर में मतलब उसके घर में प्रॉब्लम नहीं था, आप लोग कमेंट मत करना, मतलब एक ही जगह पे हम लोग बोर लग रहा था, इसीलिए अभी आए हैं बाहर घूमने। और सच बताऊं तो घर जाने के लिए हम लोग पूरा तैयार हो जाते लेकिन जाने ही नहीं देते। एक चीज़ बताते हैं, राहुल जो है मतलब राहुल का कहना है तुम यहाँ पे आए हो तो लगभग 2 या 3 महीना रुको मेरे घर में, ठीक है? तो इस तरीके से बोल रहा है। तो ब्रो अभी जो है मैं रहने वाला था लेकिन अभी कॉलेज में भी बहुत सारा काम है और इसकी वजह से हमें जाना ही पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम भी है, ठीक है? क्योंकि कॉलेज अगर अटेंड नहीं कर पाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं तो मैं तो रुक जाता यार 4-5 महीना यहाँ पे, ठीक है? सुरेंद्र कोई प्रॉब्लम होता लेकिन मैं रुक जाता आराम से, लेकिन अभी मैं नहीं रुक पाऊँगा और शायद से छठ के बाद हम लोग जाएंगे अपना घर झारखंड वापस। जैसे कोई होता ना कहीं जाने के लिए तड़पता है, ठीक उसी तरह हम यहाँ रह के तड़प रहे हैं कि हम यहाँ से काश कब जाए, लेकिन जाने नहीं देता, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। क्योंकि गर्लफ्रेंड इसको याद कर रहा है, समझ रहे हो ना? इसीलिए झारखंड जाना चाहता है गाइस, ये बात है। ऐसा नहीं है, हम दोनों जो है सिंगल लौंडे हैं, हम लोग लड़की के चक्कर में नहीं पड़ते हैं गाइस, आप लोग भी मत पड़ो, ठीक है? सख्त लौंडे हम लोग। तो चलो अभी हम लोग आ चुके हैं इधर। तो सुरेंद्र को अभी करना है तो भाई बाद चलो मिलते हैं आपसे। अभी जो हम लोग पटाखा लेने आए हैं यहाँ पे, ठीक है? पटाखा ले लेंगे क्योंकि भाई पटाखा रात में जलाने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है? बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। और शायद से इसके बाद एक और ब्लॉग आएगा रात में, शूट करना स्टार्ट करूँगा, उस ब्लॉग को मैं कल अपलोड करूँगा। राहुल बताओ पटाखा कितना का लेना चाहिए, कितना लेना है? वही लेंगे, अच्छा खासा लेंगे पटाखा, ठीक है? रात में जलाएंगे, बहुत मस्त होता है। सो गाइस अभी जो है मैं ब्लॉग कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाया, अभी मैं डायरेक्टली घर आ गया, ठीक है? और अभी रात के बज चुके हैं 7, रात नहीं हुआ है, 7 शाम के 7 बज चुके हैं और अभी टाइम आ चुका है दिवाली के पटाखा को फोड़ने का। और इधर जो है सुरेंद्र और राहुल है, देख सकते हो, चलो लेट्स स्टार्ट। और गाइस ये जो है दोनों पटाखा नहीं फोड़ने वाला है, पता नहीं इन लोगों को मैंने बोला गया चलो फोड़ते हैं इसलिए मैंने ज़्यादा पटाखा ले लिया, ये लोग फोड़ने वाले नहीं है। तो क्यों नहीं फोड़ोगे? बस ऐसे ही क्या, पटाखा फोड़ना चाहिए, दिवाली है यार। अरे काहे का दिवाली, राहुल तुमने फोड़ेगा? डर लगता है, इसको डर लगता है। तो मैं सारा पटाखा मुझे फोड़ना पड़ेगा। इधर एक बच्चा है भाई, तुम्हारा क्या नाम है? नरेंद्र कुमार यादव। नरेंद्र कुमार यादव, तो इसको भी कुछ पटाखा शेयर करेंगे, अभी फोड़ने वाला है, ठीक है? तो चलो, क्या मजा आएगा कि नहीं? मजा आएगा, तो मजा आने वाला, चलो। तो हाँ, तो गाइस आज के इस ब्लॉग के अंदर बस इतना था। अगर ब्लॉग पसंद आई हो तो ब्लॉग को क्या करना है? लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। हाँ, जरूर से कर देना, ठीक है? चलो मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।